हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल टुडे वी आर डिस्कस अबाउट फ्लूड प्रेशर एंड इट्स मेजरमेंट तो आज की वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है बिकॉज हम फ्लूड प्रेशर और उसके मेजरमेंट्स को डिटेल्स में पढ़ेंगे सो फर्स्टली व्हाट इज़ फ्लूड प्रेशर एंड हाउ इट वर्क्स सी वेन वी हैव एनी स्टेशनरी फ्लूड और वो किसी सर्फेस के कॉन्टैक्ट में आता है तो वो उस सर्फेस पर कुछ फोर्स लगाएगा तो वो जो फोर्स होता है ना वो हमेशा नॉर्मल टू द सर्फेस होता है स्टेशनरी फ्लूड के अंदर सपोज कि मतलब और ऐसा क्यों होता है कि मतलब वाई स्टेशनरी फ्लूड अप्लाइंग नॉर्मल टू द सर्फेस बिकॉज सपोज ये कोई सर्फेस है कोई और वहाँ इस सर्फेस पर हमें किसी पॉइंट ये हमारी स्टेशनरी फ्लूड है एंड हमें किसी पॉइंट पे इसका फोर्स निकालना है ओके okay. यहाँ पे जो फ्लूड लग रहा है ये फ्लूड स्टेशनरी है तो लेट हमने ये पॉइंट जो ले लिया अगर इस पॉइंट पे शेयर फोर्स लगेगा तो ऊपर जो ये फ्लूड है उस पर भी शेयर फोर्स लगेगा एंड वी एज वी नो बिकॉज ऑफ शेयर फ्लूड फ्लो करने लगेगा सो इफ फ्लूड इज स्टेशनरी मीन्स दैट देर इज़ नो शेयर क्योंकि वो फ्लो नहीं है स्टेशनरी है रेस्ट में है फ्लूड तो उसमें कोई शेयर नहीं है अब किसी भी सर्फेस पे या तो दो मतलब परपेंडिकुलर लगता है या तो अलोंग द सर्फेस फोर्स लगता है तो uh, क्या होगा शेयर फोर्स हमारा ज़ीरो हो गया यहाँ पे तो क्या बचा नॉर्मल टू द सर्फेस इसलिए स्टेशनरी फ्लूड जो है वो हमारा नॉर्मल टू द सर्फेस हम लगता है नाउ प्रेशर क्या होता है प्रेशर इज डिफाइंड एज नॉर्मल फोर्स एग्जोटेड बाई फ्लूड पर यूनिट एरिया कुछ प्रेशर यूनिट होते हैं जैसे कि वन पासकल इज इक्वल टू वन न्यूटन पर मीटर स्क्वायर वन मेगा पासकल इज इक्वल टू वन न्यूटन पर एम एम स्क्वायर वन बार इक्वल टू टेन टू द पावर फाइव पासकल वन ए टी एम इज इक्वल टू वन जीरो वन पॉइंट थ्री टू फाइव किलो पासकल और वन ए टी एम का एक और होता है वन ए टी एम इज इक्वल टू फोर्टीन पॉइंट सिक्स नाइन सिक्स पी एस आई वट इज़ पी एस आई पाउंड पर स्क्वायर इंच तो ये सब कुछ हमारे मतलब वेरियस यूनिट्स हैं प्रेशर के जो कि हमें मतलब याद आ, करने पड़ेंगे इनको अगर गिवन नहीं है क्वेश्चन में तो सी ये तो हो गया वट इज प्रेशर अब हम देख लेते हैं कि एटमोस्फेरिक प्रेशर क्या होता है बिकॉज हम फ्लूड प्रेशर पड़ रहे हैं तो इसमें हमारा एटमॉस्फेयरिक प्रेशर uh, मतलब इंपॉर्टेंट है देखने के लिए कि क्या है एटमोस्फेयरिक प्रेशर होता है प्रेशर एक्जर्टेड बाय एटमोसफेयर इज कॉल्ड एटमोसफेरिक प्रेशर एंड प्रेशर एक्जर्टेड बाय एट मीनसी लेवल अगर मींसी लेवल पे कोई प्रेशर एग्जर्ट हो रहा है तो उसको हम स्टैंडर्ड एटमोसफेयर प्रेशर कहते हैं और अगर प्रेशर हमारा एटमोस्फेयर मतलब एटमोसफेयर में एनी मतलब एट एनी अदर पॉइंट कहीं पे भी हमारा प्रेशर अगर एग्जर्ट हो रहा है एटमॉस्फेयर में

सपोज ये हमारा फ्लूड है और ये रेस्ट में है एंड हमें इस पॉइंट पे जो है प्रेशर फाउंड आउट करना है कि कितना प्रेशर यहाँ पे लग रहा है तो अगर हमारा फ्लूड रेस्ट में है तो जो प्रेशर ऑफ फ्लूड होगा ना उस पॉइंट पे वो हमेशा सेम uh, होगा इन ऑल डायरेक्शंस एंड इसी को हम पासकल स्लॉ भी कहते हैं नाव ये तो हमारा हो गया फ्लूड प्रेशर्स के बारे में नाव हम ये देख लेते हैं कि हम मेजर कैसे करते हैं मेजरमेंट ऑफ प्रेशर कैसे होता है सो फर्स्ट इज बैरोमीटर सेकेंड इज मैनोमीटर एंड थर्ड इज मकैनिकल गॉज सो पहले हम मैकेनिकल गॉज का देख लेते हैं दिस इज अजी वन मैकेनिकल गॉज मीन्स इसको मकेनिकली प्रेशर मकैनिकल प्रेशर यूज करने के लिए करते हैं ऐसा कुछ अरेंजमेंट होता है इसका इस टाइप का मकैनिकल गॉज का तो ये यहाँ नीचे से ओपन होता है ठीक है एटमॉस्फेयर uh, मतलब एटमॉस्फेयर ओपन टू एटमॉस्फेयर होता है तो हम इसको एटमोस्फेरिक प्रेशर पे जीरो सेट करके रखते हैं ये जो हमारा पॉइंटर है इसको हम एटमॉस्फेरिक पे ज़ीरो सेट करके रखते हैं अब जैसे ही यहाँ प्रेशर लगेगा इस एंड पे लाइक बाइक वगैरह में आपने कभी देखा होगा सर्विसिंग के लिए गए होंगे या आपने कभी एयर डलवाया होगा बाइक स्कूटी किसी में भी तो आपने देखा होगा जो वहाँ पे वो होते हैं मकै मकैनिक्स होते हैं वो क्या करते हैं एक इक्विपमेंट लाते हैं उसमें लगाते हैं वो बता देते हैं आपके टायर में कितना प्रेशर है अगर कम है तो वो और एयर फिल करते हैं नहीं है तो मतलब वो तो उसमें से चेक करते हैं तो क्या होता है उसमें वो वहाँ पे उसको लगाएंगे इसको लगाते ही इसमें कुछ अगर उसमें मतलब जो जितना प्रेशर है उतना कुछ इसमें हो तो 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 डिफ्लेक्ट होगा नंबर मान लो टू है तो टू डिफ्लेक्ट होगा इसमें नंबर तो जितना भी इसमें डिफ्लेक्ट होगा वो प्रेशर आएगा तब ये पॉइंटर जो है मतलब जब ये डिफ्लेक्ट होगा तो वो जो हमारा वो कुछ नंबर शो करेगा कि कितना प्रेशर है है ना तो इसी को हम मैकेनिकल गॉज कर कहते हैं कि ये हमारा प्रेशर बताता है कि इसमें कितना प्रेशर है नाउ सेकेंडली हम देख लेते हैं हमारा बैरोमीटर क्या होता है बैरोमीटर क्या होता है फर्स्टली एटमोस्फेरिक प्रेशर एज वी नो एटमोस्फेरिक प्रेशर जो है वो वेरी करती है इफ़ वी आर मेजरिंग मेज़र एट सी लेवल तो वहाँ पे एटमोस्फेरिक प्रेशर जो है वो सबसे ज़्यादा होती है कितनी होती है टू एटीएम के अप्रोक्स होती है मीन्स हंड्रेड पासकल होती है हंड्रेड किलो पासकल होती है नाउ अगर हम लैंड की बात करें तो यहाँ ए प्रेशर जो है वो वेरी करता रहता है और जितना हम हाइट पे जाएंगे उतना ही ए प्रेशर जो है हमारा कम होता जाएगा लो होता जाएगा तो अब से एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो मेज़र कैसे करते हैं विद द हेल्प ऑफ बैरोमीटर तो इसमें ये मरकरी ये ये हमारा एक अरेंजमेंट है इसमें क्या है ये मरकरी इसमें फील होती है और यहाँ ये वैक्यूम होता है मीन्स कोई एयर नहीं है यहाँ पे, है ना तो इसमें हम क्या करते हैं कि यहाँ पे हम वैक्यूम क्यों बना के रखते हैं सपोज़ आपके ये आपका कोई बकेट है इसमें आपने टैप चला रख मतलब इसमें आपने पानी भर दिया है इसको यहाँ पर जब आपने यहाँ पर इस पर पानी डाल दिया है तो अब आप ऊपर से कुछ भी करें यहाँ पर आपने कोई होल भी कर दिया तो यहाँ से पानी निकलने लग जाएगा बाहर अगर आप इसको वैक्यूम बना देते हैं मीन्स इसमें कोई एयर इसमें हमने कोई प्लेट लगा दिया कुछ भी कर दिया तो अगर हम इस पर वैक्यूम बन गया यहाँ पे मीन्स कोई एयर नहीं है तो इस वाटर पे कोई प्रेशर नहीं लगेगा तो ये होल छोटा हो चाहे बड़ा हो तब तो अगर इस पर कोई प्रेशर नहीं लगेगा तो पानी भी बाहर नहीं निकलेगा तो 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 है ना तो देट्स तो वाई तो ये मरकरी जो है यहाँ से ये मतलब इधर तो मरकरी है और यहाँ से हम इसको वैक्यूम बनाते हैं ताकि ये ओवरफ्लो ना हो नहीं तो क्या होता है अगर हम इसको आ, मतलब नहीं बनाते इधर से वैक्यूम तो ये जो है मरकरी ओवरफ्लो होने लग जाता ठीक है तो म, अब नाउ क्वेश्चन इज मरकरी हम यूज़ क्यों करते हैं यहाँ पे हम और कोई फ्लूड भी तो यूज़ कर सकते थे ना मतलब वाटर यूज़ कर लेते हम यहाँ पे लेकिन हम क्यों करते हैं मरकरी यूज़ बिकॉज वाटर में जो है ना फ्लक्चुएशन ज़्यादा होती हैं एंड मरकरी जो है ये एक ऐसा मेटल है जो कि हमें लिक्विड स्टेट में मिलता है बाकी सारे मेटल्स हमें सॉलिड स्टेट में मिलते हैं बस मरकरी ही एक ऐसा मेटल है जो हमें लिक्विड स्टेट में मिलता है एंड ये विस्कस होता है सो so, इसमें फ्लक्चुएशंस मीन्स नेग्लेजिबल ही होता है मतलब बहुत कम होता है इसमें बहुत ही ज़्यादा कम डिस्प्लेसमेंट देखने को हमें मिलती है दैट्स वाई हम इसमें मरकरी का यूज करते हैं बैरोमीटर में नाउ थर्ड इज मैनोमीटर नाउ मैनोमीटर जो होता है वो दो टाइप के होते हैं या एक सिंपल मैनोमीटर एक डिफरेंशियल मैनोमीटर जो सिंपल मैनोमीटर होते हैं वो किसी एक पॉइंट का प्रेशर मेजर करने के लिए यूज़ करते हैं और जो डिफरेंशियल मैनोमीटर होता है ये किसी भी दो पॉइंट के बीच का प्रेशर जो होता है जितना भी प्रेशर डिफरेंस होता है उसको मेजर करने के काम आता है तो फर्स्टली हम सिंपल मैनोमीटर देख लेते हैं सिंपल मैनोमीटर अगेन हमारा थ्री टाइप का होता है फर्स्ट इज पिजोमीटर सेकेंड यूट्यूब मैनोमीटर एंड थर्ड इज सिंगल कॉलम मैनोमीटर सो पिजोमीटर हमारा क्या होता है सी ये कोई पाइप है इसमें अंदर की तरफ जो है ये फ्लो हो रहा है मतलब कोई भी फ्लूड फ्लो हो रहा है और यहाँ किसी पॉइंट पे हमें प्रेशर फाइंड आउट करना है सपोज़ हमें यहाँ पर प्रेशर फाइंड आउट करना है तो क्या करेंगे ये पाइप जो है यहाँ से एक पाइप लगाएंगे तो क्या होगा इस पाइप में जो फ्लूड है वो यहाँ से ऊपर चढ़ने लगेगा ऊपर जाने लग जाएगा इधर से किसी इसकी हाइट मेज़र uh, कर लेंगे सपोज हमने इसकी हाइट मेज़र कर ली एच और पाइप में लिक्विड ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है मतलब लिक्विड की जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है उसको हमने कर लिया जी मतलब सपोज कर लिया जी तो क्या होगा इधर ऊपर तो प्रेशर जीरो लगेगा मतलब ये जो ऊपर इनिशियल है यहाँ पे जीरो होगा. तो जीरो प्लस जी गामा डब्लू इंटू एच ये हमारा क्या होगा पी ए है. है ना यहाँ का प्रेशर निकाल लिया तो यहाँ का भी उतना ही होगा सेम इधर निकल गया तो इधर का भी उतना ही होगा क्यों होगा बिकॉज ये दोनों सेम लेवल पे हैं बट यू हैव मेजर द प्रेशर एट एनी हाई पॉइंट अगर मान लो तुम्हें सपोज uh, कि ट्वेंटी फिफ्थ फ्लोर पे मतलब प्रेशर uh, मेज़र करना है तो वहाँ पे हम जाकर पिजोमीटर तो नहीं लेके जाएंगे स्टेयर्स लगा के कि हाँ इसको हम यूज़ कर लेते मतलब मेज़र कर लेते हैं तो क्या होता है वहाँ पर हमारा पिज़ोमीटर यूज़ में नहीं हो नहीं आ पाता या अगर कोई ऐसा है कि कहीं एयर है तो वो भी हम पिज़ोमीटर से मेज़र नहीं कर पाते तो इन्हीं सब ड्रॉबैक्स को ओवरकम करने के लिए यूट्यूब मैनोमीटर का मतलब यूट्यूब मैनोमीटर का यूज़ होता है यूट्यूब मैनोमीटर आया तो यूट्यूब मैनोमीटर क्या करता है सपोज़ uh, आपके पास एक ऐसा पाइप है एक एंड um, आपको लार्ज प्रेशर मेज़र करना है इस पॉइंट पे सपोज इस पॉइंट पे हमें लार्ज प्रेशर मेज़र करना है तो इसमें क्या होता है सपोज कि हमने ये पाइप से कनेक्ट अभी करा नहीं है इसको मैनोमीटर को यह पाइप है यहाँ से हमने अभी कनेक्ट नहीं किया uh, तो क्या होगा इसमें कुछ लिक्विड जो है इस पाइप में पहले से ही फिल्ड रहता है उस लिक्विड को हम मैनोमीटर लिक्विड कहते हैं और उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी मान लो हम जी जी टू लेते हैं एंड यहाँ से इसकी हाइट जो है हम इसको एच ले लेते हैं है ना मतलब यहाँ पे जितना था वहाँ से यहाँ तक का हाइट हम अपना एच ले, ले लेते हैं और जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है उसको हम जीवन ले, ले लेते हैं पाइप की जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है मतलब पाइप में जो फ्लू फ्लो कर रहा है उसकी जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है हम उसको जीवन ले, ले, ले लेते हैं नाउ अब हम इसको कनेक्ट करते हैं मैनोमीटर को पाइप में सो वेन यू कनेक्टेड यूट्यूब मैनोमीटर टू पाइप तो यहाँ से जो प्रेशर आएगा उसकी वजह से यहाँ से कुछ लिक्विड थोड़ा इस प्रेशर की वजह से यहाँ से डाउन जाएगा और इधर साइड से ऊपर जाने लग जाएगा इधर साइड से ऊपर होगा इधर से डाउन होगा तो अप वो होगा तो क्या होगा इन दोनों के बीच में कुछ एलिवेशन होगी अब इस एलिवेशन को हम ले लेते हैं स्मॉल एच सपोज दिस डिस्टेंस इज अल्फा यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है इसको हमने ले लिया अल्फा नाउ हाउ कैन वी कैलकुलेट हमने यहाँ से स्टार्ट किया वट इज़ द प्रेशर हेयर जीरो या इनिशियली हमने स्टार्ट किया जब यहाँ से तो वट इज़ द प्रेशर हेयर जीरो नाउ वी आर गोइंग बाई डेप्थ तो कितना आया एच यहाँ क्या होगा जीरो प्लस जी टू गामा डब्लू इंटू एच नाओ अब इससे ऊपर आएंगे तो क्या होगा ये अल्फ़ा है ऊपर जाने से क्या होगा प्रेशर कम होगा मीन्स नेगेटिव में आएगा तो ज़ीरो प्लस माता माइनस आएगा तो ज़ीरो प्लस जी टू गामा डब्लू एच माइनस जी वन गामा डब्ल्यू अल्फा अब यहाँ का प्रेशर है यहाँ का प्रेशर एंड यहाँ का प्रेशर सेम ही होगा बिकॉज ये दोनों सेम लेवल पे हैं तो क्या होगा हमारा पी ए इक्वल टू क्या आ जाएगा जी जी टू गामा डब्लू एच माइनस जी वन गामा डब्लू अल्फा ये हमारा हो गया ट्यूब मैनोमीटर। नाउ थर्ड हमारा क्या था सिंगल कॉलम मैनोमीटर था ये सिंपल मैनोमीटर्स के पार्ट हैं तो थर्ड हमारा सिंगल कॉलम मैनोमीटर था सिंगल कॉलम मैनोमीटर क्या होता है कुछ इस टाइप का अरेंजमेंट होता है सिंगल टाइम सिंगल टाइम सिंगल कॉलम मेनोमीटर का दिस इज सपोज वी हैव मेनोमेट्रिक लिक्विड जी टू इसमें हमारा ये मतलब इसको हम मेनोमेट्रिक लिक्विड बोल देते हैं जी टू एंड इस पाइप में मेनोमेट्रिक uh, लिक्विड हमारा वन है ठीक है तो अब मुझे इस पाइप में प्रेशर मेजर करना है तो क्या करना है हम इधर पहले से ही कुछ जीवन लिक्विड फिल करके रखते हैं अब क्या होगा इसमें वी हैव सपोज जी वन लिक्विड एट दिस पॉइंट अभी कनेक्शन नहीं है इसमें तो इस पाइप इसका पाइप में अभी हमने कोई कनेक्शन नहीं किया सिंगल कॉलम मैनोमीटर का तो क्या होगा यहाँ तक जी टू लिक्विड है ठीक है एंड दिस इज मार्क एज इनिशियल लेवल जीरो ये हमारा इनिशियल लेवल हो गया जीरो लेट दिस हाइट बी वाई वन एंड द इनिशियल हाइट इज एच वन एंड एरिया इज़ कैपिटल ए एंड दिस एरिया इज स्मॉल है

तो वो कितना राइज हुआ डेल्टा वाई इंटू कैपिटल ए बाई स्मॉल ए ठीक है तो क्या आ जाएगा हमारा जीरो प्लस जी टू गामा डब्लू ब्रैकेट में एच प्लस एच वन प्लस डेल्टा वाई ब्रैकेट ऑफ माइनस जी वन गामा डब्ल्यू फिर ब्रैकेट में वाई वन प्लस डेल्टा वाई ये हमारा पी ए होगा अब इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये सिंप्लीफाई करने के बाद हमारा क्या आ जाएगा पी ए इज इक्वल टू जी टू गामा डब्ल्यू एच ये था हमारा सिंगल मैनोमीटर सिंपल मैनोमीटर था सिंगल कॉलम मैनोमीटर नाउ हमारा सेकेंड है डिफरेंशियल मैनोमीटर डिफरेंशियल यूटिव मैनोमीटर में जैसा कि हमने अभी देखा कि क्या होता है ये किसी भी दो पॉइंट के बीच का प्रेशर डिफरेंस को मेजर करने के काम आता है, है ना सो so, कुछ इस टाइप का अरेंजमेंट होता है इसका सपोज हमने इसको पाइप ए और इसको पाइप बी ले लिया और हमने ये सोच लिया कि इधर ये हमारा प्रेशर बी लग रहा है और ये हमारा प्रेशर ए है इसका हमने डेंसिटी ले लिया रो वन इसका डेंसिटी ले लिया रो टू इसका ले लिया हमने रो थ्री हम ये मान के चल रहे हैं कि जो हमारा आ, पी ए है वो बड़ा है पी बी से क्यों मान के चल रहे है क्योंकि यहाँ पर जो है ये प्रेशर मतलब इधर यहाँ पर जो है हमारा लिक्विड कम है और इधर से हाई है तो इसका कुछ ज़्यादा हो मतलब इसका इतना प्रेशर जो है वो इक्वल टू इतना प्रेशर होगा इसीलिए हम पी ए को हम ज़्यादा मान के चल रहे हैं इससे तो अब क्या होते और हम इस डिस्टेंस को अब हम क्या कर लेते हैं यहाँ से इक्वल कर लेते हैं हम मतलब जो हम डिफ्रेंशिएट करते हैं तो इसको इक्वल यहाँ से हमने यहाँ का कर लिया डिस्टेंस ले लिया हमने मान लो एक्स यहाँ से बी तक का डिस्टेंस ले लिया हमने वाई और यहाँ बी से हमने ये ए तक का डिस्टेंस ले लिया हमने जेड ठीक है ये हमारा कुछ रेफरेंस पॉइंट हमने यहाँ पे लिया था अभी अपना ठीक है ये हमारा रेफरेंस पॉइंट है तो अब क्या होगा इसमें पी ए मतलब प्रेशर जो पाइप में है पी ए ठीक है प्लस रो वन जी ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू मतलब हम ये इक्वेशन बना रहे हैं अभी पी बी प्लस रो टू जी एक्स प्लस रो थ्री जी वाई ये हमारा पाइप टू का यह है ये हमारा पाइप वन का था ये हमारा पाइप टू का है तो अब क्या होगा हम हमें पी ए माइनस पी बी करना है मतलब हम इसमें से ये माइनस करेंगे तभी हमारा आएगा तो पी ए माइनस पी बी इज इक्वल टू रो टू जी एक्स प्लस रो थ्री जी वाई माइनस रो वन जी ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई प्लस जेड अब हम क्या करेंगे पी ए माइनस पी वी को अगर हम डेंसिटी ऑफ वाटर से डिवाइड कर दें तो हमारा आ जाएगा तो क्या हो जाएगा पी ए माइनस पी बी और डेंसिटी ऑफ वाटर हमारा क्या आ जाएगा रो डब्ल्यू जी इज इक्वल टू एस टू एक्स प्लस एस थ्री वाई माइनस एस वन ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई प्लस जेड यह हमारा डिफ्रेंशियल यूट्यूब मैनोमीटर का मैनोमीटर uh, का वो था इक्वेशन थी आई होप यू लाइक दिस वीडियो अगर आपको कुछ डाउट है इस वीडियो में तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो प्लीज़ डू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल